अंदर और बाहर प्रदर्शन। सीएम केजरीवाल के बाहर भी जुटे बीजेपी के कार्यकर्ता, भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। कट्टर ईमानदार पार्टी बनेंगे ये कह के निकलने वाले चंद हफ्तों के अंदर किस प्रकार से कट्टर भ्रष्टाचारी बन गए। दिल्ली में छात्रा पर फायरिंग मामले में आम आदमी पार्टी का एलजी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन, हिरासत में लिए गए कई प्रदर्शनकारी। पुलिस ने गोली मारने के मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी में मदरसों को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला, नए मदरसों को मान्यता से पहले सर्वे जरूरी। सरकार के फैसले पर ओवैसी ने उठाए सवाल। स्टेट गवर्नमेंट क्यों सर्वे करा रही है, आपको लेना देना क्या है? झारखंड की राजनीति में तेज हुई हलचल, सूत्रों के मुताबिक इस्तीफा देकर दोबारा सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं सीएम हेमंत सोरेन। यूपीए प्रतिनिधिमंडल के साथ पहुंचे राजभवन। यूनेस्को की तरफ से दुर्गा पूजा को धरोहर घोषित करने पर ममता का धन्यवाद। मार्च एक महीने तक चलेगा कार्यक्रम, बीजेपी वोट बैंक की राजनीति का आरोप। इसमें शायद अब यदि इनके वोट बैंक की भी राजनीति हो तो उसका भी कोई बोला नहीं जा सकता है। आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिन का केरल और कर्नाटक दौरा, कई नई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। सोनाली फोगाट मर्डर मामले में अहम सुराग मिलने का गोवा पुलिस का दावा। लीज दस्तावेज से पीए सांगवान पर गहराया शक, करोड़ों के फार्म हाउस को कौड़ियों में लीज पर लेने की थी प्लानिंग। पीएम मोदी की तकनीक क्रांति के सामने बौने साबित हुए दुनिया के कई विकसित देश। यूरोपियन अर्थशास्त्री ने कहा जर्मनी में एक दिन में सिर्फ 1 लाख ही हो पाता है अकाउंट में ट्रांसफर, भारत में एक क्लिक से खाते में पहुंचते हैं हजारों करोड़। पाकिस्तान में लगातार भारी बारिश और बाढ़ से अब तक की सबसे बड़ी तबाही, करीब 70 जिलों में आपदा घोषित, बाढ़ में डूबा एक तिहाई पाकिस्तान। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल, काफी पीछे छूटा आज तक और इंडिया टीवी। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। आज तक को पछाड़, अब है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल, तो देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया।